इस रास्ते से आए थे। अभी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल कस फरुखाबाद, या जहां से हम गए ये भाई साहब आप लोग पता सुबह 4 बजे का नजारा देख रहे हैं। और देखिए हम अभी बहुत ही दूर हैं, भैरव घाट के पीछे की साइड पर जो गंगा स्नान होता है वहां पर हैं, क्योंकि वहां यार सुबह 4 बजे ही मतलब जो वहां पर जाने को ही नहीं मिल रहा, पैदल ही जा सकते हैं। पर हमने सोचा क्यों ना इधर पीछे के रास्ते से नहा लिया जाए। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं, देखिए कितना भीड़ है। आज जो है दशहरा है इसीलिए देखिए सुबह 4 बजे ही इतना भीड़। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस नए ब्लॉग वीडियो में। भैया आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज जो है गंगा दशहरा है, तो भाई गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और जो है आज सुबह पता 4 बजे निकले थे गंगा स्नान के लिए हम लोग, तो जैसा कि हम सुबह गंगा स्नान करने के लिए आए थे तो आज दशहरा है तो हमने सोचा क्यों ना आज जो है गंगा स्नान किया जाए। आज के दिन गंगा स्नान बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम पता सुबह 4 बजे निकले थे और उस साइड गए तो सुबह 4 ही बजे मतलब जो इतनी भीड़ थी कि बाइक आइक जाने का अलाउ ही नहीं था, कम से कम 1 किलोमीटर पीछे ही बाइक को रोक दिया गया था। तो हमने सोचा अब क्या किया जाए, तो भैया जो पीछे भैरव घाट के पीछे जो गंगा स्नान होता है ना, फिर हम वहां पर आए सुबह 4 बजे की बात बता रहे हैं, फिर वहां पर आए, फिर थोड़ा अंधेरा था, फिर उसके बाद जो है वहां पर जो बाइक को बहुत दूर खड़ा कर दिया गया है और फिर जो है हम लोग पैदल चल के आए। देखिए इस रास्ते से पैदल चल के आए, पीछे रास्ता दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ से पैदल चल के आए। तो फाइनली हमने जो है स्नान भी कर लिया, जैसा आप देख सकते हैं देखिए तिलक लगा हुआ है। तो यार जल नहीं भरा हमने यहाँ पर, हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा जो है वहाँ का पुल का जो वीडियो भी आप लोगों को एक्सप्लोर कराएं कि कितनी भीड़ होती है हमारे यहाँ जो है गंगा दशहरा पर। और पिछली बार तो हमने फिलहाल वीडियो बनाया ही था, आप लोग देख लेना जाकर। उस बार तो फिलहाल सुबह हम 7 बजे आए थे पर स्नान नहीं कर पाए थे क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमने एक्सप्लोर भी कराया था चल चल कर, तो हम सोच रहे इस बार कोई नाव मिल जाए तो नाव पर बैठ कर जो है पुल तक जाएं और पुल जाने के बाद वहां पर जो है आप लोगों को एक्सप्लोर करें कि कितनी भीड़ है, क्या माहौल है यहां का भाई। तो देखते हैं भाई किसी नाव वाले को आवाज देते हैं, अगर आता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर जैसी मैया की इच्छा भाई। तो अभी आप लोगों यहां से जो गंगा मैया के दर्शन तो करा ही देते हैं, आप लोग जो है गंगा मैया के दर्शन करके कमेंट में हर हर गंगा एक बार जरूर लिख देना, आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। भैया दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं भैया। ये देखिए हमने यहाँ पर स्नान किया है, अभी यहाँ पर तो अभी मतलब सुबह 5 बज गया है और सुबह 5 बजे का आप नज़ारा देख रहे हैं ये देखिए। और हम इस रास्ते से आए थे, आपको ये बाइक दिखाई दे रही है वो खड़ी हुई है बहुत दूर, ये देखिए। यहाँ से पैदल ये लोग आ रहे हैं, यहीं से हमको भी आना पड़ता है, ये देखिए काफी दूर है, जूमिंग करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पर जो है स्नान किया था भाई, क्या नजारा है, पूरा गोवा के बीच जैसा दिखाई दे रहा भाई, ये देखिए। और आप लोग गंगा मैया के दर्शन करिए, ये देखिए। चलिए आइए गंगा माँ की कहानी बताते हैं आपको। धरती पर अवतरित होने की कहानी ज्येष्ठ माँ की 10वीं तिथि माँ गंगा को समर्पित है। इस तिथि को गंगा दशमी या गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। पहले माँ गंगा स्वर्ग में रहते थे, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर पहली बार गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है जो इस बार 16 जून 2024 को मनाया जा रहा है। मान्यता है इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजन करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पवित्र नदी भी है, इसे देवी गंगा या गंगा के रूप में भी पूजा जाता है। हिमालय से निकलकर
ये आप लोग दर्शन कर सकते हैं। देखो कितनी भीड़ है आज है। जैसे ही भैया सुबह होती जाएगी वैसे ही ज़्यादा भीड़ बढ़ती जाएगी। ये तो हम लोग पीछे भैरव घाट की तरफ स्नान कर रहे हैं तो कम भीड़ है, फिर भी अभी देखिए जब धूप निकला है करीब 6-7 बजे का समय हो जाए बहुत ही भीड़ बढ़ती ही जाएगी। अभी हम वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को पुल का। ये देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं हल्का हल्का कितनी भीड़ दिखाई दे रही है और पास जाएंगे तो क्या नज़ारा होगा आप लोग भी सोचिए। ये आप लोग देख सकते हैं गंगा मैया को जो है साड़ी पहनाई जा रही है। देखिए ऐसे पहनाई जाती है। देखिए आप लोगों को बिल्कुल करीब से दर्शन करा रहे हैं गंगा मैया के और देखिए पुल पर कितनी भीड़ है। बिल्कुल पास में ही आ गए हैं अब हम। चलिए आ गया और आओ थोड़ा सा भाई साहब यहाँ पर देखिए। चलिए बैक कैमरे से दिखा रहे हैं आप लोगों को। ओ भाई साहब आप लोग दर्शन कर रहे हैं गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया के। अभी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल करीब जो है थोड़ा सा पीछे हैं क्योंकि वहाँ पर यार नाव तो मिली नहीं, पीछे से ही शूट कर रहे हैं। थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए पेंटोल पुल भी देखिए कितना भीड़ है पेंटोल पुल पर भी और जो पुल जो है जहाँ पर जो है गाड़ियाँ और जो मेन पुल है गठिया घाट का ये देखिए पीछे वो भी बिल्कुल जाम है। ये देखिए ऊपर भी लोग पैदल चल रहे हैं और सवारियाँ भी जाम है। ये देखिए जो गाड़ियां हैं वो भी अब क्या बताएं भीड़ इतनी है तो भैया भीड़ तो है इसलिए जो है गाड़ियां भी आगे पीछे नहीं बढ़ रही है। देखिए और पेंटोल पुल पर तो आप देख ही सकते हैं क्या हालत है आज। गंगा दशहरा का ये वीडियो देख रहे हैं आप 2024 फरुखाबाद। ये देखिए आप चारों तरफ देखिए जहां भी आप देखेंगे तहां भी पूरा घाट जो है फुल है। आज स्नान है ना इसलिए गंगा दशहरा का। ये देखिए अब आपको जो है बिल्कुल स्लो मोशन में वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए सूर्य भगवान भी निकल आए हैं हल्का हल्का सा क्योंकि अब जो है सुबह के 6:30 का नज़ारा आप देख रहे हैं। अब जो फाइनली नाव पर हम बैठ चुके हैं और देखिए जल नहीं भर पाए थे वहाँ पर जल अच्छा नहीं था तो हमने सोचा क्यों ना जो है बीच धार से ही जल भरा जाए अच्छा सा साफ सुथरा तो आप लोगों को एक्सप्लोर भी करा देंगे कि वहाँ पर कितनी भीड़ है। तो आज आप लोग बने रहिए वीडियो में चल रहे हैं थोड़ा पेंटोल पुल की ओर क्योंकि वहाँ से तो आने को मिला नहीं क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी तो इसी मारे जो है हमने सोचा नाव कर लें और नाव के सहारे ही आगे चल रहे हैं। उस साइड चलेंगे हमारी फाइनली नाव हमारी तैयार है भैया। और आज गंगा दशहरा के दर्शन कर रहे हैं आप गंगा मैया के फरुखाबाद 2024। तो अभी हम लोग पेंटोल पुल के पास पहुंचने ही वाले हैं आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए और इस साइड भी देख सकते हैं आप सभी लोग। भैया हमारे यहाँ गंगा दशहरा पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और ये देखिए हमारा पेंटोल पुल बस। ये देखिए आप भीड़ देख ही सकते हैं। ये देखिए ओ भाई साहब ये देखिए हाँ बल्ले। तो
तो ये देखिए हम जो है जल भर रहा है हमारा। ओ भाई साहब ये देखिए आप लोग, तो आप देख सकते हैं पेंटूल पर कितनी भीड़ है। और इस साइड पर घाट देखिए, चारों तरफ कितनी भीड़ है ये देखिए। स्लो कर ले स्लो, पानी जहां से गए थे वहां हम लोग वापसी आ गए। ये देखिए क्या, जहां से हम गए थे नाव से वहां पर ही घूम फिर के वापसी आ भी गए हैं और आप लोगों को वीडियो भी एक्सप्लोर कर दिया है। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे मैया जरूर लिख देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बढ़िया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। ये देखिए पानी हम अपने स्थान पर पहुँच चुके हैं। हाँ पूरे यहाँ से गए थे और यहाँ पर ही वापसी आ गए हम लोग। गाइस आप लोग देख सकते हैं, देखिए भैरव घाट के पीछे जो है खेत था, यहाँ पर सही रास्ता थे पर ये देखिए पूरी तरीके से जो है खेत को एक तार कर दिया गया है, जोत दिया गया है। अब पता नहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बनेगा जरूर। अब देखिए यहाँ पर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होगा। ये देखिए अब यहीं से ही गए थे और ये देखिए बच्चा जो है आराम से लगी ना रहे हैं। देखो क्या बनने उधर जाओ, भैया जो है पीछे जो है बांट रहे शरबत, इसे पीने आ जाओ जल्दी जल्दी ना, फिर खत्म हो जाए फिर ना कहो ना मिलो। ये शरबत पीने कैसे पीने, भीड़ कितनी है सारे बच्चे देखो उसे पड़ रहे एक ऊपर है।